स्वच्छता अभियान के तहत शहरी विकास नगर नियोजन एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने मंडी के सेरीमंच से स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऊर्जा व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा तथा निदेशक शहरी विकास विभाग डी के गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि हिमाचल को स्वच्छ सुंदर तथा प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता को हमें अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अब सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में जिला मंडी का अपना एक इतिहास रहा है और जिला को स्वच्छता के लिए अव्वल भी चुना जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरों को स्वच्छ बनाने रखने के लिए स्थानीय निकायों व नगर पंचायतें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधि सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का प्रदेश को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में भरपूर सहयोग मिल रहा है। मंडी जिले का अपना एक इतिहास रहा है और यहाँ से मेरे साथ मंत्री अनिल जी बहुत सीनियर, बहुत राज्यसभा और प्रदेश की राजनीति का एक्सपीरियंस यहाँ पे इनके पास है। इनका शहर आज इनके शहर में जिस तरह से मंडी और कुल्लू का एक मैंने अपने विभाग का एक वर्कशॉप रखा है और उसी वर्कशॉप के तहत ही जो हमारा एक अपने अपने शहर को साफ रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन का जो एक प्रोजेक्ट है उसके निमित्त मुझे लगता है कि समय समय पर जैसे कॉर्पोरेशन जहाँ पे हैं, जहाँ नगर निगम, नगर परिषद है, हर जगह पे हम स्वच्छ भारत के तहत सफाई अभियान की शुरुआत करके उसको हम पूरा करते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेके देश को एक संदेश दिया है कि हमें भी साफ सुथरा, बहुत सारी कंट्रीज जो विदेशों में जो अपना सफाई के नाम से अग्रणी रही है उसी कतार में भारत को आगे लाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेके देश को बढ़िया अच्छा स्वस्थ मिशन की ओर चले हैं, उसी मिशन के तहत आज का ये पहला कार्यक्रम जो है शुरू हुआ है। जैसे भी अनिल जी ने इसको प्रस्यू करेंगे हम उससे उसको उस पर खड़ा उतरेंगे सरकार, ठीक है ना। अभी वैसे प्रोसेस में है, मेरे ध्यान में अनिल जी ने इस बात को रखा है और नियम बन गए हैं, आगे देखिए जैसे उचित समझेंगे यहाँ के राजनेता उसी अनुरूप हम आगे चलेंगे। इस मौके पर अनिल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता अभियान में शहर के स्वयंसेवी संगठनों, व्यापार मंडल तथा खत्री सभा यूथ विंग के सदस्यों को जोड़ा गया है। उन्होंने आह्वान किया कि शहर का हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़े ताकि मंडी शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखा जा सके। आभारी हूँ यूनिवर्सिटी जो मेरे सहयोगी हैं कि आज मंडी में मेरे शहर के अंदर सफाई अभियान जो उन्होंने शुरू किया है और इसे एक संदेश देने की जो बात रखी है उन्होंने और अपने विभाग की जो कार्यशाला जो इन्होंने रखी है नेर चौक के अंदर, वैसे तो मंडी में होनी थी परंतु मंडी में स्थान नहीं मिलने की वजह से नेर चौक में रखा गया और मुझे खुशी है इस बात की कि अपने विभाग में बहुत अच्छा काम करे हैं और एक पूरा उसमें एक्सपीरियंस काम की जा चुकी है और एक अच्छे विभाग को चलाने का प्रयास करें। जहाँ तक यहाँ आपने प्रश्न उठाया है नगर निगम का, वो क्योंकि लोगों से हम चर्चा करें, पिछली सरकार के अंदर भी मंत्री में रहा, लोगों कई बार विरोध भी रहता है, जब तक लोगों का मन नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो लोगों का मन टटोलने की हम बात करेंगे और उसके बाद सही फैसला जो है सरकार लेने का प्रयास करेंगे।